सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और दबाएं बेल के बटन को मेरी हर नई आने वाली वीडियोस देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नॉलेज ऑफ नूरी वज़ाइफ़ की तरफ से आपको खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब भी खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। नाज़रीन, आज मैं आपको एक ऐसा मोहब्बत का नायाब अमल बताने जा रहा हूँ। अगर किसी महबूब महबूबा में, मियाँ बीवी में इख्तलाफात पैदा हो गए हैं और सुलह नामे की तरफ कोई भी नहीं आने का सोच रहा, तो आप इस अमल को करें। अल्लाह के हुक्म से इस अमल के करने से जिसको आपके साथ इख्तलाफ होगा, आप इस अमल को करें, वो आपसे खुद माफ़ी मांगेगा और अपने इख्तलाफात ख़त्म करेगा। तो करना ये है कि आपने नाज़रीन इस तावीज़ को मुश्क ज़ाफ़रान से लिखकर, अगर मुश्क ना मिले तो सिर्फ़ ज़ाफ़रान से लिख लें। लिखने के बाद जिसको आपसे इख्तलाफात पैदा हो गए हैं उसको आपने पिला देने हैं पानी में या शरबत में या दूध में, इस तावीज़ को डालकर। शर्त लाजम है कि तावीज़ काली मार्कल या काली स्याही से लिखा जाए। खुदा ताला के फजलो करम से दोनों के दरमियान ऐसी मोहब्बत पैदा हो जाएगी कि कभी ना वो टूटने वाले रिश्ते में बंध जाएगी। ये आजमूदा और शर्तिया अमल है। इस अमल को आपने मुश्क व ज़ाफ़रान से लिखना है। अगर मुश्क ना मिले तो सिर्फ़ ज़ाफ़रान से लिख लें। अगर मियाँ बीवी में, महबूब महबूबा में इख्तलाफात पैदा हो गए हैं तो एक अफराद कोशिश ये करे कि उसको किसी भी तरीके से ये पानी या दूध या शरबत में किसी भी तरीके से घोल कर पिला दें। अल्लाह ताला के फजलो करम से दोनों के दरमियान बेपनाह मोहब्बत पैदा हो जाएगी। तो नाज़रीन, ये था मेरा आज का वजीफ़ा। अगली बार फिर मिलूँगा एक नए वजीफ़े के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।